लेकिन कितनों ने नाम सुना है? सबने सबने सुना है। कैसे, क्या जानते हो इनके बारे में? ये बहुत अच्छे वो थे और लिखने वाले दोहे, वन ऑफ द बेस्ट दोहे लिखे हैं। बहुत अच्छे दोहे हैं इनके। इनके दोहे अच्छे क्यों हैं, कुछ पता है? इन्होंने बहुत डीप डीप बातें, इन्होंने बहुत डीप, क्योंकि वो मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल हैं, बहुत गहरी बातें बोली हैं। और क्या पता है? वो ज़्यादातर मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई को मतलब रिजेक्ट करते थे। वो मतलब मुस्लिम और हिंदू को एक ही समझते थे। उनका पता भी नहीं था कि वह मुसलमान है कि हिंदू है, और ना उन्होंने किसी को ये बताना चाहा, ज़रूरी समझा। पर कबीर दास हिंदू थे, पर वो ब्राह्मण वीरों के बच्चे थे, पर ये तो बस पत्थर। और वो टेलर के घर रहते थे, वो मुसलमानों को राम कहते थे और राम वालों को मुसलमान कहते थे। वो बिहार में रहते थे, बिहार के कपड़े बुनते थे। जब भी वो मंदिर में जाते थे उन सबको, वो सब उन्हें बाहर निकाल देते थे। वो फॉलोअर्स उनके कबीरपंथी से आते थे, कबीरपंथी कहते थे। उनके सारे दोहे जो है वो बीजक नाम ग्रंथ, बीजक नाम से चलते। एंड ही बिलीव्ड इन फॉर्मलेस फॉर्म ऑफ गॉड, फॉर्मलेस फॉर्म ऑफ गॉड, काय निर्गुण थे, रामानंदा के भक्त। तो अब हम जिनको पढ़ने जा रहे हैं, इस बात पे गौर किया कि वो क्यों हिंदुओं को अल्लाह, उनके सामने अल्लाह अल्लाह बोलते थे और मुस्लिम्स के सामने वो समझाना चाहते थे कि मतलब अंतर नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में, दोनों एक ही, दोनों एक भगवान एक ही है। वो कहते थे कि भगवान एक ही है, मत बांटो। जो मूल है वो एक, जो सोर्स है सबका वो एक है। इन्हीं दोहों के थ्रू समझेंगे, ठीक है? लेकिन उसके पहले दो मिनट के लिए सब लोग बस शांति से बैठेंगे। जिन लोगों को आंख बंद करना है वो आंख बंद करेंगे, बिल्कुल शांत मन शांत, कोई विचार नहीं। जिन लोगों को आंखें खोली रखनी है वो आंखें खोली रख के लेकिन शांत रहेंगे। शांति का मतलब सिर्फ ना बोलना नहीं होता, शांति का मतलब अंदर से भी शांत, विचारों का ना चलना। वैसे शांत होके दो मिनट बैठेंगे और फिर उसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है? सबको क्लियर है? और सेशन के बीच में जब सुनेंगे, बोलेंगे, हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, तो हम यही रहेंगे, हम कुछ भी यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे। कई बार बहुत रेस्टलेसनेस होती है, इधर उधर हम पैर पटकते हैं, सामान इधर उधर करते हैं, कुछ आवाज़ करते हैं, कुछ नहीं तो बैठे बैठे पत्ते ही या उठा के फेंक रहे हैं या पत्थर उठा के फेंक रहे हैं। इतनी रेस्टलेस नहीं है, वो फीलिंग उठेगी रेस्टलेस होने की, सबके अंदर होती है, लेकिन उसको देखना है क्यों, ठीक है? तो आराम से बैठ के समझेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है? सो फॉर 2 मिनट्स साइलेंस। Next to the paper.
समझने की कोशिश करेंगे। इतने सारे लोग, इतने सारे लोग में कुछ ढिल्ले लोग हो जाते हैं, इतनी गहरी बात बात तो हम करते हैं, करते हैं ना बातें सुबह से लेके शाम तक, अभी तक जब से उठे हो सोने के बाद से, तब से कुछ ना कुछ एक्टिविटी किए जा रहे हो, बात किए जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बात करते ही जा रहे हो, होता है ना ऐसा? तो बात तो सभी करते हैं और बातें होती हैं, चलती रहती हैं, है ना? वो शब्द हैं जो दिन भर आते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, उठते हैं, आते हैं, बोलते हैं, बीतता जा रहा है सब कुछ। कुछ शब्द ऐसे हो गए, कुछ दोहे ये शब्द ही हैं जो लिखे हुए हैं, लेकिन ये अपने आप में क्या है? दोहे हैं। और दोहे अभी बोला था कार्तिक ने कि उनके दोहे बहुत ही डीप होते हैं, है ना? तो पूछा था कि क्या खास है, तो उनके दोहे बहुत ही डीप होते हैं, गहरे होते हैं, हमें मीनिंग होता है, है ना? है कि नहीं? समझेंगे कि क्या है ऐसा कि शब्द होते हैं, उन्हीं शब्द को इस्तेमाल करके कुछ बहुत गहरा, कुछ बहुत अर्थपूर्ण आ जाता है। बातें तो फिर होती हैं, एक तल या कुछ काम किसी को बोला है तो वो भी बातचीत के माध्यम से ही होता है, बातें करके होता है, और वही बातचीत के माध्यम से कुछ ऐसा बोल देते हैं कबीर कि वो बड़ा ही गहरा, अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल हो जाता है। हम उन मीनिंग को समझेंगे कि वो अर्थपूर्ण क्या है। सुबह सब लोग दोहे गा रहे थे, उसी रिदम में एक दोहा शुरू करें कोई सा भी, एक दोहा उसी रिदम में। रिपीट कर रहे थे एक दोहा बार बार आप लोग जब गिटार बजा रहे थे, ये वाला था ना, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल होए। ये हमने बार बार गाया था ना, एक बार गाएंगे? शुरू करो, शुरू करो। कामी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल होए। और गाना चाहिए, है ना? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल होए। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति, भक्ति मतलब क्या? फेथ, वो जो मूल है, इसको बोलते हैं ना, गहरी बातें करते हैं और कबीर उस मूल पे ध्यान देते हैं, उस सोर्स पे ध्यान देते हैं। इधर कह रहा था कार्तिक ने भी बोला थोड़ी देर पहले कि हिंदुओं के सामने वो राम की बात करते थे, सॉरी हिंदुओं के सामने अल्लाह की बात करते थे, मुस्लिम्स के सामने राम की बात करते थे, और वो कहते थे कि सब एक है। जिस मूल से कुछ सोर्स है ना, ऐसा सोर्स,
सोर्स से ही जब सब निकल रहे हैं तो सब एक है। कभी गॉड के अलग अलग होते हैं किसी का? गॉड के अलग अलग है नहीं है ना? गॉड तो वही है जहाँ से जो यहाँ इतने लोग बैठे हैं वो हैं, जहाँ से ये पेड़ है जिसकी वजह से है, ये इतने माउंटेन्स हैं, ये सब कुछ है, वही है ना? तो मूल की बात करते हैं कबीर। उस मूल पे श्रद्धा जब होती है उसी को कहते हैं भक्ति। जब उसको हम भूलते नहीं हैं और उस पे श्रद्धा बनाए रखते हैं, फेथ हमेशा, उसी को कहते हैं भक्ति। ठीक है, वो जो सबका गॉड है, सोर्स है, उस पे जब हमेशा फेथ बना रहता है, श्रद्धा हमेशा है ही, कभी वो आती जाती नहीं है। वो खुशी नहीं है, क्योंकि खुशियाँ तो हमारी क्या होती हैं, आती जाती है। खुशियाँ जो हैं क्या होती हैं, आती जाती रहती हैं। ठीक है, और जो श्रद्धा है वो क्या है, वो बनी ही हुई है हमेशा परमानेंट। तो जब आप सोर्स पे फेथ में हैं, उस श्रद्धा में हैं, उसी को कहते हैं कबीर भक्ति। उसी को कहते हैं भक्ति। हम कैसे सब समझते हैं भक्ति को? भक्ति मतलब क्या? अभी तक जैसे भक्ति सुना होगा सबने, भक्ति शब्द घरों में देखा होगा कि वो भक्ति कर रहे हैं, भक्त हैं, और सब कुछ अलग अलग जगहों पे भक्ति देखी होगी। ठीक है, तो वो भक्ति मतलब क्या, कैसे बोल देते हैं लोग कि ये भक्ति कर रहे हैं भगवान के प्रति प्रेम। अच्छा, ऐसा कभी देखा है किसी को कि भगवान की मूर्ति कहीं पे रखी हुई है, लोग उसकी पूजा भी करते जा रहे हैं, साथ में उन्हें किसी बात पे गुस्सा भी आ रहा है? हाँ, या पूजा के बाद किसी बात पे गुस्सा आ रहा है और वो पूजा करके अगरबत्ती लगा के, दिया बत्ती भी लगा के चल देते हैं, ऐसा कहीं देखा है? हाँ, तो समझना होगा कि भक्ति कुछ और है, फिर सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, एक प्रैक्टिस नहीं है। भक्ति कुछ और है, उसको गहराई से समझना होगा, एक रिचुअल नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ एक मूर्ति को अगरबत्ती लगा के या दिया घुमा के चल देने को भक्ति कहते हैं और मन में वही क्रोध भरा है, वही छोटी छोटी बातें, वही पुरानी बातें सब चल रही हैं, तो वो फिर भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो फिर हमने अभी समझा था कि भक्ति तो श्रद्धा को कहते हैं, फेथ को कहते हैं, और वो इतना इनर है, इतना डीप है कि बाहर बाहर आप कुछ भी कर सकते हैं, बाहर आप कुछ भी करिए, लेकिन अंदर से वो श्रद्धा हमेशा उस सोर्स पर बनी हुई है, वो कहीं नहीं गई है। उसी को सूरमा मतलब द वन हु इज करेजियस। तो असली करेज जो है वो भक्ति में ही है, असली करेज जो है वो भक्ति में ही है। जो असली योद्धा है वो भक्त ही है, वो जो हमेशा फेथ में बना हुआ है, हमेशा जिसको हर बात में फेथ है कि ठीक है, कुछ अगर दिख रहा है ऐसा कि बुरा हो रहा है, ठीक है, उस बुरे के पीछे कुछ अच्छा ही हो तो हो रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है कि अच्छा हो रहा है,
ठीक है, उसका भी कुछ मतलब तो वो बोला है। वो फेथ हमेशा बनी रहती, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता मन के लिए, इतना आसान तो होता नहीं। बात बात में हम देखते हैं कि हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स आते हैं और बार बार मन को चुनाव करना पड़ता है। वो बार बार मन को कहते हैं, मन ही कहता है लाइक्स और डिसलाइक्स के थ्रू। आज जब दिन शुरू हुआ था, जब आप लोग अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे थे, तो क्या हो रहा था? दिन शुरू हो रहा था। दिन शुरू हुआ और जब एक्सरसाइज कर रहे थे तो क्या हो रहा था? पेन हो रहा था। मन मना कर रहा था कि मत करो। मन मना कर रहा था, रेजिस्ट कर रहा था। और यही आपको छोड़ दिया जाता, और जिन मोमेंट्स में आपको छोड़ देते हैं कि इधर उधर थोड़ा सा घूमो, अपने मन की बातें करो, तो आप देखते हो मन कितना खुश रहता है। और जब एक्सरसाइज कर रहे थे तो मन तैयार नहीं था उतने ही नंबर्स, उतने ही काउंट्स को करने में, है ना? ऐसा है मन। जब आपकी स्टिकर्स लग रहे थे, तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, तो मन क्या प्रोजेक्ट कर रहा था? किसी को पहले से जो पसंद है तो प्रोजेक्ट कर रहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे बोल रहा था मुझे लोन चाहिए, हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और अगर यही कोई चीज़ बड़ी गहरी हो, उससे अटैचमेंट जो चाहिए उससे बड़ा गहरा हो और वो ना मिले, अच्छा तो तब भी नहीं लगा था जब कहा था कि नहीं, चॉइस एग्जिस्ट नहीं करती, जो आया है मिल रहा है उसको लगाओ, लगा लिया था लेकिन अच्छा नहीं लगा था। यही कुछ आप यहाँ आए हो इसलिए शायद बोल नहीं पा रहे, लेकिन कई बार अगर कोई घर में बोल दे तो याद है ज़िद पकड़ लेते हैं, अड़ जाते हैं, लड़ने लगते हैं, रोना आ जाता है, होता है ना? और अगर उसी को कोई मना कर दे, डिनाई कर दे, रिफ्यूज़ कर दे कि नहीं है, तो और क्रोध भी आ जाएगा। कामी मीन्स डिज़ायर, कि स्टिकर में ये चाहिए, ये वाला स्टिकर चाहिए, तो ये क्या है? डिज़ायर, कामी, क्रोधी, लालची, लालची की नई भी है और वो इतने गहरी डिज़ायर है कुछ ना कुछ करके उसको लेके ही आना, लालच है। और क्या क्या होता है उस समय जब डिज़ायर जागती है और फिर वो मिल नहीं रहा होता है जो चाहिए होता है, और जब क्रोध आता है, एंगर आता है, गुस्सा आता है, कैसी कैसी स्टेट हो जाती है, मेंटल स्टेट कैसी हो जाती है, आपकी पूरी बीइंग में क्या बदलाव आ जाता है? थोड़ा सा तेज, हाँ, वॉयलेंट भी हो जाते हैं, एट टाइम्स फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो जब फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं तो फिर ऑब्वियसली कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकते, जब फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं तो ऑब्वियसली कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकते, फ्रस्ट्रेटेड माइंड कभी क्रिएटिव हो ही नहीं सकता। तो जब एंगर आया तो उस समय बीइंग पूरी कैसी हो जाती है? फ्रस्ट्रेशन में कैसे डिस्प्ले होता है? फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है? विजुअलाइज करो कैसे हो जाते हैं फ्रस्ट्रेशन में। अभी तो कितने स्वीट स्वीट फेसेस सब देख रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड। और जब वो मोमेंट्स आते हैं, उन मोमेंट्स में एग्जैक्टली क्या होता है?
गुस्सा बहुत ज़्यादा है। अपने आप को भी हम कंट्रोल नहीं करते, इसमें दीवार में घुसना आता है, कुछ तो कुछ करता है, फाइटिंग करते हैं, है ना, और कुछ भी अननेसेसरी इरिटेटिंग चिल्लाते हैं। जो अच्छा है उसे देख नहीं पाते, जो अच्छा है वो दिखना और जो दिख रहा होता है वो भी दिखना बंद हो जाता है। तो आगे का कुछ और दिखे, कुछ और समझ में आए, वो तो दूर की बात, जो दिख भी रहा होता है वो भी दिखना बंद हो जाता है। होता है ना ऐसा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाते बरन कुल खोए। जो इन बातों को समझ लेता है, है ना, और फिर काम क्रोध लालच डिजायर इनको समझ लेता है कि ये है क्या और ये क्या कर देती है, है ना, आपको आपकी बीइंग से कैसे डिस्प्लेस कर देती है। जब आप सेंटर्ड होते हो, जब आप अभी हल्के हो के बैठे हो, सेंटर्ड हो, तो आप खेलते हो, कूदते हो, पढ़ते हो, समझते हो, तो कई बातें आपको समझ में आ जाती हैं। और गुस्से में क्या होता है, आपकी पूरी बीइंग डिस्प्लेस हो जाती है। और जो इन बातों को समझ लेते हैं वो सूरमा ही हो जाते हैं, करेजियस हो जाते हैं, वो फिर जो मन में आने वाले जो विचार हैं, जो क्रोध लेके आते हैं, जो एंगर लेके आते हैं, जो डिज़ायर लेके आते हैं, ग्रीड लेके आते हैं, उन विचारों के फिर वो गुलाम नहीं रह जाते, स्लेव नहीं रह जाते, ठीक है निशा। और ये बार बार आएंगे, बार बार ये आते जाते रहते हैं। और जब ये समझ में आ गया, ये फिर मुझे गुस्सा दिलाने के लिए अंदर से आ रहा है, और उसी समय उसको देख लिया तो गायब। तो उस सोर्स में, फेथ में हमेशा रहना होता है, वही करेजियस होता है।